स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसका एमसीक्यू 4 है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कोटेशन है और इसका जो आपका आंसर है वो है महात्मा गांधी। अगला है, कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करवा देती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आप लोग लगाइए कौन सा इसका मैं आंसर होगा। मुझे तो चारों सही लग रहे हैं, लेकिन ये सभी वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, मोस्ट करेक्ट होगा, उसी को हम करेक्ट मानेंगे। तो उसमें जो डी है आपका, कि एक अध्यापिका वास्तव में तब सहायता करती है जब विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब प्रोत्साहना कैसे हो सकती है? आप पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में पढ़ाते जा रहे हैं और एकदम से आपने कुछ जानबूझ के गलत बोला। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन आपने प्रयास किया कि देखिए लाओ कुछ गलत बोल कर देखते हैं। आपने कोई जगह का नाम गलत बता दिया, आपने कहा नहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो आगरा है। तो अगर वाकई में आपको, आपके लिए सारे फोकस किए बैठे हैं स्टूडेंट कि हाँ आप पर जो भी आप बोल रहे हैं, तो वो तुरंत टोकेंगे, कहेंगे जो आपने पढ़ाया था ये आपको मैं करेक्ट बता दूं कि लखनऊ है उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल। तो इस तरीके से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना या कोई भी कहीं कहीं पे जानकारी अधूरी देना ताकि वहां से क्वेश्चन बन सके, तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कक्षा नायक यानी कि क्लास मॉनिटर, ठीक है, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, कक्षा नायक का मतलब होता है क्लास मॉनिटर का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा यानी कि डिसिप्लिन के प्रति जो लॉयल्टी होती है उसको, अन्य छात्रों की पसंद, मतलब जो अन्य छात्र हैं उसको पसंद करते हैं इसलिए उसको क्लास मॉनिटर बनाना चाहिए, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि यानी कि बहुत अच्छा है पढ़ने में इसलिए उसको क्लास मॉनिटर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा यानी कि डिसिप्लिन लॉयल्टी जिसके अंदर ज्यादा होगी उसी को क्लास मॉनिटर बनाया जा सकता है। मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिटिक विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है और इसलिए आ चुका है तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि हो सकता है इसी से संबंधित कुछ और भी पूछ लिया जाए। तो कौन थे प्रवर्तक मनोविश्लेषणवाद के? सिगमंड फ्रायड, ठीक है, इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी एड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है इसमें मानव मस्तिष्क को किससे जोड़ा है या उसकी जो रूपरेखा बनाई है वो किससे मिलती जुलती हुई बनाई है? तो उन्होंने जो रूपरेखा मन की बनाई है वो बनाई है एक हिमखंड से, मतलब एक पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा, है ना, अफ्रीका का मैप नहीं है ये, पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो जो ऊपर का मन है ये नीचे का मन है, इससे संबंधित उन्होंने पूरी थ्योरी दी है। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा मनोविश्लेषणवाद का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं कि मन की तुलना किससे की गई है, तो पानी पर तैरते हुए हिमखंड से की है सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? शिक्षण में, टीचिंग में जो हम टीचिंग मेथड यूज करते हैं, तो ज्यादा हम इसका यूज कर रहे हैं अलग अलग, तो क्या होगा, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों की भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई जो है रोचक बन जाती है और ये सभी। तो उम्मीद है बहुत ही सरल सवाल है और ये भी नेट में आ चुका है, तो आप लोग कहेंगे कि इतने सरल तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कभी आते होंगे, तो
फिलहाल अब आ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब पहले तो आते थे। तो ये सभी इसमें सही है, आपका डी आंसर जो है सही है कि शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से केंद्रित रहता है, रोचक भी बनती है और भली प्रकार से समझ में भी आता है। तो कुल मिला के ये सारी जो है विशेषताएं हैं जब हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताया जाता है और उसके बाद उस नियम के उदाहरण को देकर नियम की पुष्टि की जाती है। कुछ याद आया? कुछ याद आया तो बताइए कि जो पहले नियम बताया जा रहा है फिर उस नियम के उदाहरण बताए जा रहे हैं। ठीक है, देख लिया। तो सबसे पहले जब नियम बताते हैं तो उस नियम में जब नियम को पहले बताया जाता है, यानी कि सिद्धांतों को पहले बताया जाता है, नियम हो चाहे सिद्धांत हो, और बाद में उसका उदाहरण देके समझाया जाए, तो कौन सा हो जाएगा नियम? निगमन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, डिडिक्टिव डिडिक्टिव मेथड। ठीक, संश्लेषण से, सिंथेसिस से, एनालिटिकल नहीं, अनुभव से, तर्क नहीं, आगमन यानी कि इंडक्टिव विधि नहीं। इंडक्टिव में क्या होता है, उल्टा होता है, उदाहरण पहले होता है, नियम बाद में होता है। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पाठ को पढ़ाने में, अब ये बात जो अब क्वेश्चन है ये आया कहाँ से, ये आया लेसन प्लान से। ठीक है, लेसन प्लान से, यानी कि पाठ योजना से संबंधित प्रश्न है ये, कि जब हम पाठ पढ़ाने जाते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ध्यान रखना चाहिए। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना चरण में कम से कम प्रश्न पूछने चाहिए। प्रस्तावना चरण का मतलब ही यही होता है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न वो होते हैं जो आपको जब एक बार कोई पाठ पढ़ा दिया गया फिर से आपको समझ में नहीं आया तो वो उस चीज की पुनरावृत्ति की जाती है और फिर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुनरावृत्ति में भी इतने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जबकि विकास चरण का मतलब होता है जो आपको पढ़ाया गया है उसमें जो पूरी डिटेल आ गई, पूरा लेसन आपने पढ़ लिया, अब उससे जितने प्रश्न बनेंगे वो विकास यानी कि डेवलपमेंट फेज में बनेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं डेवलपमेंट फेज में, विकास चरण में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एक अच्छी पाठ योजना यानी कि एक अच्छा लेसन प्लान में सबसे अधिक समय किसे दिया जाता है? ठीक है, पाठ योजना का मतलब लेसन प्लान, जो कि हम जो लोग बीएड के स्टूडेंट, उनको पता होगा कि हम जब पढ़ाने जाते हैं तो ट्रेनिंग के रूप में जो है हमें पाठ योजना बनानी होती है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे भूमिका को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण को, या होमवर्क देने में। तो आप किस पर इसको सही बताएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपका आंसर होगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है इसमें आपका समय सबसे अधिक होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपका पढ़ाने का तरीका उतना अच्छा हो जाएगा। आप प्रेजेंटेशन में अपने मेथड यूज कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन में ही सारे तरीके यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने टीचिंग एड्स को भी आप प्रेजेंटेशन में ही रखेंगे कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी टॉपिक का। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। बाकी जो ऑप्शन है गृह कार्य, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। छात्रों की शंकाओं का निवारण करने में, जब आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उस समय शंका का निवारण तो बाद में होगा। शंका का निवारण मोस्टली कब होता है? जब आप पाठ पढ़ा लेते हैं, अब आप बताओ कि भाई कहाँ पर है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा समय नहीं लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है आपके मेथड को पढ़ाने में। उसके बाद भूमिका जो होती है, भूमिका बनाने में तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको। भूमिका बनाने का मतलब है, मान लीजिए एक चार्ट है और आपने सोचा था इस चार्ट को हमें पढ़ाना है, तो उसको टांगना है और स्टार्ट करना है कि हाँ भाई किस तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। तो भूमिका को बनाने में मैं तो कहूंगा कि जितना कम से कम समय लगे उतना कम से कम ही रखिए, क्योंकि भूमिका अगर आपने लंबी कर दी, बुक पकड़ने के, जैसे आपको बुक पकड़ने का जो तरीका है ये कभी एक टाइप हो गया, ये भी एक भूमिका हो गई।
तो बुक पकड़ने के टाइप को ही आप फोकस किए हुए हैं कि मैं बुक पकड़े हूँ सही से कि नहीं, तो आप प्रेजेंटेशन कब करेंगे अपनी बुक का, कैसे पढ़ाएंगे, तो इन सब चीजों को समय कम देकर प्रस्तुतिकरण को ज्यादा समय देना चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी सिफारिश कब की थी? ये क्वेश्चन जो है, आपको बता दूं, उच्च शिक्षा प्रणाली जो आपका आता है उसमें भी पूछा जा चुका है, और शैक्षिक अभिसमता वाला जो आपका है इसमें भी पूछा जा चुका है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। पहले पूछा गया था कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी सिफारिश कब दी थी, और जो उच्च शिक्षा में ये पूछा गया था कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा को अग्रणी रूप में रखना चाहता था भारत में, या अंग्रेजी शिक्षा की देन किसकी थी, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। तो वो भी लॉर्ड मैकाले से संबंधित था, क्योंकि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और उसी ने जो है समझ लीजिए नींव रखी थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की। तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब दी थी? 1835 में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी। और किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली यानी कि किंडरगार्टन जो एजुकेशन मेथड है उसमें शिक्षक का स्थान कैसा होता है? कुम्हार के जैसा, रेफरी के जैसा, दीपक के जैसा, या माली के जैसा? बहुत ही सरल है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो किंडरगार्टन क्या है? बच्चों का बगीचा कहते हैं किंडरगार्टन को, तो किंडरगार्टन है। अब गार्डन में फूल है, वो फूल कौन है? बच्चे हैं। फ्लावर क्या है? बच्चे हैं। तो उन फ्लावर को बचाएगा कौन, उनको संभालेगा कौन? जाहिर सी बात है माली उनकी सेवा करेगा, अगर इंग्लिश में देखिए तो गार्डनर उनकी सेवा करेगा। तो किंडरगार्टन में शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है एक माली के जैसा। ठीक, तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को गार्डनर बताया गया है, माली बताया गया है, तो आप बताएंगे किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में। यहाँ पे किंडरगार्टन लिखा हुआ है, कहीं पे किंडरगार्टन भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें सही है फिलहाल। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, और साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही है, इतना, और जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।